यहाँ पे ये लेआउट दिया हुआ है, इस लेआउट में देखते हैं क्या है। ये रहा, पूरा दिख रहा होगा, मास्टर प्लान है ये, सेक्टर 28 का लेआउट प्लान है। दस एकड़ अप्रोक्स, दस सारे दस दस एकड़ के हैं ये, D8 D7 D9 ये 3 एकर्स के प्लॉट हैं। पार्क 16,460 स्क्वायर मीटर अप्रोक्स, 30 मीटर वाइड रोड है, रोड भी काफ़ी चौड़े हैं, रोड में कोई दिक्कत नहीं है और चारों तरफ से रोड है। ऐसे जाएगा बंदा, ऐसे सीधा चला जाएगा, यूँ घूम के आएगा, फिर यहाँ से चारों तरफ से आदमी आ सकता है। ये फ्लैटेड फैक्ट्री है, फ्लैटेड फैक्ट्री है यहाँ पे, और ये फ्यूचर इंडस्ट्रियल यूज है। देखो इतना एरिया कवर करने के बाद भी 11,200 स्क्वायर मीटर तो अप्रोक्स ये है, अप्रोक्स 2.75 एकड़ ज़मीन है। इस एरिया के बावजूद भी अथॉरिटी ने यहाँ पे फ्यूचर इंडस्ट्रियल यूज के लिए जगह छोड़ी हुई है, और 100 मीटर रोड यहाँ पे है, 50 मीटर वाइड यहाँ पे है, और ये तो एक प्लान है। इसके बाद भी यहाँ पे ये प्लान दिखा होगा, मेडिकल डिवाइस पार्क यहाँ पे आ गया और हम खड़े हैं यहाँ इस पॉइंट पे, यू आर हेयर, हम खड़े हैं यहाँ पे। तो इतनी अथॉरिटी ने इतनी बड़े स्केल पे जो जगह एक्वायर की है, और ये पूरा एरिया एक्वायर हो चुका है, पूरा की पूरा एरिया एक्वायरमेंट में चला गया है। पीछे तक इन्होंने फ्यूचर प्रोविजन भी ले लिया है, देखो आपके सामने मास्टर प्लान में लिखा हुआ है। और ये मेडिकल डिवाइस पार्क है, अभी चलेंगे इंडस्ट्रियल पार्क में जहाँ पे 2-4 फैक्ट्रियाँ भी आ गई हैं, उस फैक्ट्री में देखेंगे। तो कैसे हैं आप लोग, वेलकम बैक। लास्ट टाइम आई थिंक मैंने व्लॉग जो अपलोड किया था वो अगस्त में अपलोड किया था, अगस्त के बाद मैंने एक सिंगल व्लॉग अपलोड नहीं किया अपने चैनल पे। आप लोगों के मैसेज भी आए थे यार, कई लोगों ने पर्सनली फ़ोन भी किया था। मेरा एक दोस्त है, रोज़ हर संडे को मैसेज डालता था कि भाई क्या हो गया तुझे, तू व्लॉग क्यों नहीं डाल रहा है, और डाला कर, रेस्पॉन्स ठीक मिल रहा है। आप लोगों के मेल भी, वो तो मेल भी आए थे मेरे पास। अब मैं बताता हूँ रीज़न क्या था। एक्चुअली अगस्त के बाद मैं हरिद्वार चला गया था, हरिद्वार में ट्रांसफ़र ले लिया था मैंने, और वहाँ 1.5 साल मैं काम कर रहा था कंटिन्यूस। उसके बाद फिर मैं नोएडा आ गया, और आवाज़ तो शायद आ रही होगी, मैं बाहर बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन बाहर ट्रैफिक की आवाज़ बहुत ज़्यादा है, आपको क्लियर आवाज़ नहीं आएगी। आज मैं जाऊँगा येडा, दोबारा से येडा चलेंगे और वहाँ पे देखेंगे। प्रिया गोल्ड ने भी अपना प्लांट बना दिया है, और एवरीडेंसन ने भी अपना प्लांट बना दिया है, और बहुत सारी कंपनियाँ वहाँ आ रही हैं, देखेंगे। और मैंने तो ये भी सुना था कि फिल्म सिटी के लिए भी वहाँ पे काफ़ी प्लॉट अलॉटमेंट हो गए हैं, और सेक्टर 21 है, सेक्टर 32 है, एक मेडिकल पार्क भी बना है वहाँ पे। पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं है, सुना है मैंने मेडिकल पार्क पर, देख शायद बिल्डिंग बन गई होगी, देखते हैं। जो भी होगा, अगर बिल्डिंग बन गई होगी तब भी देख लेंगे, कवर करेंगे आज। और अभी तो मैं मीटिंग अटेंड करके ऑफिस जाऊँगा, दोबारा से निकलूँगा, और टाइम बचा 6 बजे से पहले अगर टाइम बचा तो व्लॉग बनाएंगे, वरना मैं ऑफिस का काम करूँगा पहले, फिर आपके लिए व्लॉग बनाऊँगा। गर्मी लग रही है, एसी चलाना पड़ेगा। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कम से कम वीक में हर संडे को एक व्लॉग तो बना ही दूं।
अभी तो डेवलपिंग लैंड है यहाँ पे, अभी कुछ इंडस्ट्री आई नहीं है, बाकी आगे 2-3 कंपनियाँ होंगी, आगे इंडस्ट्री होगी, वो वहाँ पे तो दे रखा होगा उन्होंने अपना जो भी सिस्टम है, और देखते हैं आगे क्या है। तो जैसा देखा आपने कि अभी सेक्टर 28 में ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं है, अभी तो ये रोड वोड प्लानिंग स्टेज में ही है, रोड वगैरह बना रहे हैं प्रॉपर, और आगे टीम बैठी हुई है। देखो ये सामने वीडियो बना लूँ, चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है, चप्पल वहाँ पर गंदी है, पैर तो नहाया पानी। क्या चल रहा है खाना पीना? ये दोनों कौन है, इसका नाम क्या है? फरमान। फरमान कौन सी क्लास में पढ़ता है भाई? सिक्स क्लास में। कितनी बकरी पाल रखी है तूने? दो। दूध देती है? ना वो तो बच्चे अभी छोटे हैं। और ये जो यहाँ गड्ढा कर रखा है इसमें मछली पाल रखी है क्या इन लोगों ने? ये मछली पाल रखी है? तो स्कूल जाते हो दोनों है? वो भी आया, वो आ रहा। उसका क्या नाम है? वो आज गया था है? आज एग्जाम दे गया। अच्छा आज गया है, पल पहले ठंड लग जाएगी, सर्दी पड़ रही है। और क्या ढूंढ रहे हैं इसमें, मछली है क्या इसमें? पहले सर्दी लग जाएगी यार। तो यार ये यहाँ पे बकरियाँ चरा रहे हैं और पास के ही रहने वाले हैं ये लोग, बच्चे ही हैं अभी तो, इनकी पढ़ने वाली उम्र है, पर अभी अपनी बकरी चरा रहे हैं, बाकी इनकी जमीन वमीन थी नहीं यहाँ पे। और आगे चलते हैं, आगे इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पे कंपनी बन रही है, और मेरा दोस्त कह रहा है कि वहाँ प्रिया गोल्ड कंपनी है, वहाँ पे एक वो इंडस्ट्रियल सेट बना हुआ है पूरा, वहाँ चेक करते हैं और क्या होगा वहाँ पे पता करेंगे। और प्रिया गोल्ड ने बहुत बड़ा प्लांट डाला है वहाँ, उस प्लांट को अभी देखेंगे चल के, अंदर तो नहीं चलेंगे, बाहर बाहर से ही देख लेंगे, अंदर चलने के लिए किसी दिन फिर आएंगे और एंट्री लेंगे वहाँ पे। यहाँ पे ये प्लांट दिख रहा होगा, मेडिकल डिवाइस पार्क यहाँ पे आ गया, और हम खड़े हैं यहाँ इस पॉइंट पे, यू आर हेयर, हम खड़े हैं यहाँ पे। तो इतनी अथॉरिटी ने इतनी बड़े स्केल पे जो जगह एक्वायर की है, और ये पूरा एरिया एक्वायर हो चुका है, पूरा की पूरा एरिया एक्वायरमेंट में चला गया है, पीछे तक इन्होंने फ्यूचर प्रोविजन भी ले लिया है, देखो आपके सामने मास्टर प्लान में लिखा हुआ है। और ये मेडिकल डिवाइस पार्क है, अभी चलेंगे इंडस्ट्रियल पार्क में, जहाँ पे 2-4 फैक्ट्रियाँ भी आ गई हैं, उस फैक्ट्री में देखेंगे। तो गाइज़ आज के ब्लॉग में बस इतना ही, तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बता देना, और दिन जेवर एयरपोर्ट भी चलेंगे और नोएडा भी चलेंगे और